हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत है आपके मेरे चैनल रवि मिलन ब्लॉग पे। आज हम लोग आए अपने गांव के आउटडोर पे घूमने। चलिए दोस्तों, आज मैं अपने आउटडोर पे क्या क्या होता है मैं दिखाता हूं। आज बहुत कुछ आपको वीडियो में इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। आप दोस्तों, ये हम लोग दो दोस्त हैं, मैं रवि और ये मेरा दोस्त विकास गुप्ता। आज हम लोग दिखाएंगे हमारे आउटडोर का नज़ारा। बिना वीडियो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही रोमांचक और अच्छा दिखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे का वीडियो दिखाना शुरू करते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो ये हम लोग का पीछे है वो हमारे गांव का आउटडोर का लीची बागवान है। जो आपको यहाँ को जो सीज़न आता है लीची और आम का, यहाँ पर बहुत अच्छे और मीठे लीची और मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरा दोस्त कितना मज़ा का स्माइल दे रहा है। बहुत ज्यादा आता है इसमें लीची, हम रोज का हर वर्ष खाते हैं इसमें से। आनंद ही आनंद आएगा दोस्तों। हमारे गांव के आदमी का है ये, हमारे ही गांव में रहते हैं एक। अगर आप कभी आइएगा हमारे गांव प्रस्टोका में तो यहां का लीची खाकर अवश्य जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये हम लोग आउटर पे अभी जा रहे हैं। इधर देखिए, सब धान का खेती हो रहा है। आप लोग कैसा मॉर्निंग में देखिए नजारा दिखता है, मॉर्निंग का नजारा कैसे दिख रहा है पूरा। थोड़ा अभी ठंडे का मौसम है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा आपको। मेरा दोस्त है जो बहुत फास्ट चल रहा है, देखते हैं। फास्ट नहीं चल रहा है, मुझे ठंड लग रहा है। दोस्त को बहुत ठंड लग रही है इसको, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब आने वाले टाइम में तो ठंड बढ़ने वाला है। ठंड और बढ़ेगा, ऐसा ऐसे दो तीन पहनना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाकर ठंड जाएगा। दोस्तों ये मेरा विकास है, इसका भी एक चैनल है और विकास गुप्ता ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग प्लीज। दोस्त सपोर्ट कीजिए हम दोनों को कि आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा सके आगे चल के। दोस्तों हम दोनों दोस्त आप लोग ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देंगे कि आपको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में हम लोगों को। ट्रैक्टर मशीन दिख रहा है वो तो धान झाड़ने का मशीन है और यहाँ पे धान झाड़ने का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे मशीन चल रहा है और धान झाड़ने का काम हो गया है। चलिए दोस्तों आगे और कुछ दिखाएंगे वीडियो तक, लास्ट तक देखिए वीडियो। दोस्तों ये सब धान कटा हुआ है, कट कर सब धान रखा हुआ है सब सूखने के लिए बोझी। सूखने बाद इसको झाड़ने का काम होगा। आप देख सकते हैं मैं सब आपको दिखा रहा हूँ एकदम पूरा पूर्ण रूप से। तो दोस्तों हम लोग घूम रहे थे तो हमारे गांव का एक सबसे अच्छा और एक सबसे मैंने बताया आपको अचंभ होने वाला चीज़ हमारे गांव में देखने को मिलता है। चलिए तो आपको हम दिखाते हैं कि एक चीज़ क्या है। आइए दोस्तों आइए। चलिए दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं उसी को दिखाने, बताते हैं कि क्या चीज़ क्या है, क्या आपको दिखाएंगे, इंटरेस्टेड और अजीब का चीज़ है आपको हम बताते हैं। ब्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वही होगा दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए देखिए। देखिए दोस्तों ये हमारे गाँव में देख सकते हैं दोस्तों आप, ये अपने आप ही पानी निकलता है 24 घंटे अपने आप ही आता है पानी, और बहुत इसका पानी बहुत मीठा लगता है। पीने को भी मन चाह तो पी सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों जो खुद से पानी निकल रहा है। दोस्तों जो ये जो ट्यूबवेल गड़ा हुआ है एकदम खुद से पानी निकल रहा है, जो एकदम धरती के अंदर गड़ा हुआ है। ये जो पोखरी है दोस्तों, इधर ही घूमने आया हूं। इतना अच्छा लगता है ना आपको क्या कहें। और ये साइड में ही एक पोखरी है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो पोखरी है वहीं पे गड़ा हुआ है। देखिए मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा है, कुछ सोच रहा है इंटरेस्टिंग बात कि कल आपको वीडियो में क्या देंगे नया चीज़। आज आपको ये नया चीज़ देखने को मिला दोस्तों।
आप देख सकते हैं ये पूरा आउटडोर कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। मैं भी एक वीडियो बना लूँ। देखिए मेरा दोस्त क्या कर रहा है, शॉर्ट वीडियो है दोस्त, मेरा चैनल में जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा मेरे दोस्त का चैनल का। चलिए दोस्तों आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह पानी गिर रहा है एकदम, कितना अच्छा कितना सुंदर देखने को मिल रहा है, जो खुद से पानी गिर रहा है ये। आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई ट्यूबवेल व्यूबेल लगा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, एकदम नेचुरली है यहाँ पे गाढ़ा हुआ है, जो खुद से पानी गिर रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। देख रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरह गिर रहा है पानी, आपको लगता होगा कि ये झूठी चीज़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये रियल का गिर रहा है। ना तो यहाँ पे कोई ट्यूबवेल लगाया हुआ है, ना कोई जो बोरिंग का दमकल होता है वो भी लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, नज़ारा कितना अच्छा है। और यहाँ से इसका पानी सब गिर कर देख सकते हैं सब कहाँ जा रहा है पानी, ये पानी इधर से जा रहा है, सब इस पोखरी में जा रहा है, इसी पोखरी के लिए इसको गाड़ा गया है दोस्तों। आज तो है ठंडा पानी 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 पानी, पिएगा तेरा नानी 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 नानी, तेरा ठंडा पानी, ठंडा नहीं है भाई, गर्म है, गर्म है, नहाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा यार, गर्म पानी है। 15 सेकंड हो गए। देखिए दोस्तों ये जो है जो सब धान खेती है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है नज़ारा इसका, कितना अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा है, मस्त व्यू, मस्त एकदम मस्त, कितना मॉर्निंग टाइम का जो नज़ारा जो दिखने को मिलेगा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ये सिर्फ आपको मॉर्निंग टाइम में ही मिलेगा देखने को, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्त, जो है मेरा एकदम मज़े ले रहा है मॉर्निंग टाइम का। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग लगभग 5 किलोमीटर घूमकर आ चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, शेयर कर दीजिएगा। और मेरा दोस्त है उसका भी चैनल है विकास गुप्ता ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय एंड फिर से बाय बाय। चलिए दोस्तों अब मुलाकात होगी आपके दूसरे ब्लॉग में जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए दोस्तों फिर से बाय बाय, नमस्ते, नमस्कार।